दिन में आपका स्वागत है। बॉलीवुड के फेमस एक्टर रणबीर कपूर अपनी प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा पर्सनल लाइफ को लेकर ज्यादा चर्चा में रहते हैं। पहले रणबीर कपूर ने दीपिका पादुकोण को डेट किया, इसके बाद कैटरीना कैफ के साथ रिलेशनशिप में आए। इसके बाद अब आलिया भट्ट साथ अपने रिश्ते और शादी को लेकर सुर्खियों में है। ऐसे में आज हम आपको रणबीर कपूर के उस इंटरव्यू के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें उन्होंने बताया था कि उन्हें कैटरीना कैफ और दीपिका पादुकोण नहीं बल्कि बॉलीवुड की ये एक्ट्रेस सबसे ज्यादा सेक्सी लगती। दरअसल एक इंटरव्यू में रणबीर कपूर से बॉलीवुड की सेक्सी एक्ट्रेस के बारे में पूछा गया था। इस सवाल का जवाब देकर रणबीर कपूर ने सबको चौंका दिया। रणबीर से पूछा गया कि बॉलीवुड की सबसे ज्यादा सेक्सी एक्ट्रेस कौन है। जवाब में एक्टर ने कहा था कि मेरे हिसाब से सभी सेक्सी हैं, दीपिका पादुकोण, कैटरीना कैफ और नरगिस फाखरी। जब इन तीनों एक्ट्रेसेस में से किसी एक का नाम चुनने के लिए कहा गया तो रणबीर ने नरगिस फाखरी को चुना। रणबीर ने कहा था कि मैं थोड़ा स्वार्थी हो रहा हूँ, मैंने आखिरी फिल्म नरगिस फाखरी के साथ की है, इसीलिए मैं कहूंगा कि नरगिस फाखरी। आपको बता दें कि रॉकस्टार फिल्म के दौरान रणबीर और नरगिस के बीच अफेयर की भी अफवाहें उड़ने लगी थी। इन अफवाहों को बकवास कहते हुए रणबीर ने कहा था कि जी हाँ, मेरा नरगिस के साथ जुड़ाव है क्योंकि मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ। इस दौरान अगर मैं उनके साथ डिनर पर या फिर आउटिंग पर जाता हूँ तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि नरगिस को डेट कर रहा हूँ। वहीं इस दौरान नरगिस और मां नीतू कपूर की नजदीकियों पर भी सवाल खड़े किए गए, जिसे लेकर रणबीर ने कहा था कि नरगिस उस वक्त शहर में नई नई थी और वो किसी को नहीं जानती थी। शहर में उसका कोई परिवार, दोस्त या रिश्तेदार भी नहीं था, वो बिल्कुल अकेली थी। ऐसे में मेरी माँ ने उनका साथ दिया और दोनों की अच्छी बॉन्डिंग बन गई। आज माँ उनको काफी पसंद करती है, मेरी माँ काफी फ्रेंडली है और वो मेरे कई दोस्तों के करीब है। सो गाइस, क्या कहना है आपको नरगिस फाखरी और रणबीर कपूर के लिए, प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें। और देखते रहिए बिग स्क्रीन।